गाइस मैं बचपन में मेरे डैड ने मुझे बोला था कि तू बड़ा होके फालतू काम करेगा तो मैं टीवी पे कॉमेडी करता हूँ एंड आई डू कॉमेडी शोज ऑन कितने लोग टीवी देखते हैं टीवी पे कॉमेडी शोज कितने लोग देखते हैं अबे क्या कैसी जगह कौन से पोजीशन में देखते हो तुम लोग उसको कॉमेडी नहीं बोलते उसको पॉन बोलते हैं क्यों देखते हो ऐसी फिल्में ऐसी आवाजें निकल रही मर्दों में भी सनी लियोन आ रहे हैं टीवी पे काम करने से दुनिया भर की नजर में एक अलग इमेज बना एक अलग इंप्रेशन बना पहले घर वाले ही झंडू समझते थे ऐसा नहीं है टीवी पे काम करने से पहले मुझे कोई जानता नहीं था लेकिन आज 12 साल टीवी पे काम करने के बाद आज मैं हक से बोल सकता हूं कि आज भी घंटा कोई नहीं जानता है टीवी पे टीवी कॉमेडी शो में बड़ा ग्रेंजर होता है मल्टी कैमरा सेटअप होता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं बड़ा सेट होता है सब कुछ होता है कॉमेडी छोड़ के नहीं नहीं कई बार बहुत अच्छे जोक्स लिखे होते हैं शो के कॉन्ट्रैक्ट में इतना वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना मैं कभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को ना तो इतना वन साइडेड ऐसा लगता है वो शोले का गब्बर सिंह और हमें बसंती और बसंती कुत्तों के सामने नाच रही है नहीं सॉरी कुत्ते उधर इधर तो अशिप कॉन्ट्रैक्ट है अच्छा उनको क्या लगता है कि ये टीवी के कॉन्ट्रैक्ट में आ गया तो ये बंदा कहीं और जाके काम नहीं कर सकता लेकिन कुछ कुछ कमीने हरामी होते हैं कुछ बहुत बड़े कमीने होते हैं जिनको थोड़ा पैसा मिलता है दूसरे शो पे चले जाते हैं एक तो आपके सामने खड़ा है मेरे को एक शो मिला और मैं उस चैनल पे चला गया काम करने के लिए तो मुझे जो है प्रोड्यूसर ने बोला यार तू जा रहा है बोला हाँ मैं जा रहा हूँ और मैं चला गया और वहाँ की रेटिंग अच्छी आ गई तो मुझे बोलता क्या यार तू एक बार बोला और शो छोड़ के चला गया बोला बॉस मैं मुस्लिम हूँ तो इसका ये मतलब नहीं शो छोड़ने के लिए भी 3 बार बोलना पड़ेगा एक बार में हो जाता ना अच्छा टीवी वालों का अलग ही सेंस ऑफ ह्यूमर होता है और चैनल वालों का एक शो पे उनको सिद्धू की डेट नहीं मिली तो उन्होंने दिलेर मेहंदी को जज रख लिया मतलब क्या तुमको क्या लगता है पब्लिक को समझ में नहीं आ गया पगड़ी के नीचे कौन है मेरे फ्रेंड ने तो फोन किया रहमान इस बार वो सिद्धू जज नहीं यार इस बार तो मनमोहन सिंह है अरे वो गाता भी है पहले तो बोल ही नहीं पाता था क्या मतलब जैसा चैनल वैसा टीवी मतलब कुछ समझ में नहीं आता बट लेकिन टीवी पे काम करने से मुझे देखा मेरी एक बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है मेरे लिए बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एज अ थिएटर एक्टर गाने लिखता था देन आई मूव टू टेलीविजन टीवी पे करता था जो भी शोज के बाद फिर क्लब शोज करने लगा अभी यूट्यूब पर भी मेरे कुछ वीडियोज चल गए तो लोग समझ नहीं पाते मैं करता क्या हूँ तो वो मतलब कोई अपना वाला खुल के नहीं बोल पाता कि इस साइड है बट लेकिन टीवी के हिसाब से भी आई एम नॉट अ गुड कॉमेडियन बिकॉज मुझे डांस नहीं आता है एक शो पे उसने बोला रहमान ये तेरा एंट्री है तेरे को डांस करते आना है बोला यार नहीं 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 करूंगा यार नहीं आता है लोग हंसेंगे बोले फिर तो कर मतलब क्यों बोले जोक्स पे तेरे घंटा कोई नहीं हंसता है उनका अलग ही अलग लेवल पे चलते टीवी वाले एक एक शो पे मेरे को याद है कि शादी स्पेशल था शादी थीम था तो मुझे क्रिएटिव ने बोला रहमान यू हैव टू वेयर अ शेरवानी एंड कम मतलब मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ यार मैं दूल्हे का बाप थोड़ी हूँ बोले नहीं यू हैव टू वेयर अ शेरवानी अच्छा दिखेगा यार बोला नहीं अच्छा दिखेगा यार बोला अच्छा दिखेगा यार बोला नहीं अच्छा दिखेगा बोला पहले नहीं तो एपिसोड में तू नहीं दिखेगा मेरा दिमाग खराब हो गया यार मुझे बहुत गुस्सा है मैं डायरेक्ट उसके मुंह पे बोला पहनता हूं नहीं नहीं, नहीं नहीं आप लोग को क्या लगता है ये जो भूतिया बंदी टीवी पे करता हूं मैं क्रिएटिविटी है पैसे के लिए होता मेरे को नहीं समझ में आता कि ये सब नहीं करना चाहिए फालतू है पैसा मिलता है बहुत और अच्छा मिलता है मतलब उससे सब खुश हो जाते घर वाले तो मैं कॉमेडियन बना
कैसे क्यों उसके पीछे एक स्टोरी है, बताऊं आप लोगों? एज अ चाइल्ड वंस आई सॉ अ मैन, ही वॉज ड्रेप्ड इन टू अ सारी, ही वॉज डांसिंग आस्किंग एंड डिमांडिंग मनी फ्रॉम पब्लिक. और मैंने किसी को पूछा कि कौन है यार ये आंटी, तो बोले आंटी नहीं अंकल है. तो बोले ये कर क्यों रहे, बोले पैसों के लिए. तो मैं जाके मैंने बोला अंकल आपको शर्म नहीं आती, मर्द हो के औरत के कपड़े पहनते हो पैसों के लिए? तो उसने मेरे को बद्दुआ दे दिया, बोले जा बड़ा हो के तू भी यही करेगा. फिर एक कॉमेडी सर्कस नाम का शो आया, मैं पहली बार दीपिका पादुकोण बना. उस दिन मेरे को लगा नहीं 6 नंबर की बदुआ लगती है, लेकिन मैं क्या सॉलिड लग रहा था यार दीपिका के गेटअप में. मतलब मैं अपने आप को देखा, मुंह में पानी आ गया यार. मतलब मैं देख रहा हूं अपने आप को मिरर में, ऐसा फील आया. बाद में बोला नहीं नहीं खुद का नहीं, खुद का नहीं, खुद का और और मतलब मैं अजीब अजीब ख्याल आ रहे यार, मैं अपने आप को देख रहा हूँ मिरर में, मेरे अंदर से आवाज आ रही है राजू है. वो क्या रहा है मेरे साथ यार, मतलब दिमाग चल नहीं रहा था. मतलब उस दिन मुझे लगा कि मर्द जात कितनी हलकड़ जात होती है. जो आदमी सेट पे कभी हाथ नहीं मिलाता, एक एक गले मिल के गया मेरे से हराम. दीपिका क्या बना, हर कोई मेरे पादुकोण के चक्कर में पड़ा हुआ था. और दोस्त हरामी होते मुझे उस दिन पता चला. जैसे ही वो 6 नंबर वाले कैरेक्टर का गेटअप वाला एपिसोड आया, सारे छठे हुए लोगों के फोन आए. और कैसी है बिल्डिंग में कब आ रही है, तेरे पे शक था अब तो तू कन्फर्म हुई. अब मैं बता नहीं सकता हूं, मतलब अजीब फीलिंग हो गई थी. मुझे लिफ्ट में मेरे जो सामने रहते वो मिल गए और उन्होंने भी मुझे देख के स्माइल की पहली बार जिंदगी में. और मतलब मचल की रहे हो, सांप निकलने वाला अंदर से. और आओ कभी घर पे, अगले हफ्ते अलका और बच्चे बाहर गए, आओ बैठते हैं. बैठते में उसकी इच्छा बड़ी खतरनाक लग रही थी, वर्ड बैठते था लेकिन भावनाएं मतलब संभावनाओं की तरफ ले जा रही थी. और फिर जैसे छोटे से बच्चे के सर पे हाथ फेरते ना, उसने भी हाथ फेरा लेकिन सर पे नहीं, घर में भी ये हुआ कि मतलब छोटे बच्चे और बड़े बच्चे के बीच में झगड़ा हो गया. तो छोटे ने बोला मैं मम्मी के पास जा रहा हूं, ये बोला और मेरे पास आके बैठ गया. मतलब इसको तो नहीं लग रहा कि पिताजी की चेतना का विस्तार हो गया है, ये सब झूठ है, इसको सीरियसली मत लो. लेकिन थैंक यू सो मच, ये टीवी का जो है ये मैं अपने दास्तान.